अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? होप्स आप सब लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक टू एएम किचन एंड व्लॉग्स। आज मम्मा क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ आलू का भुर्ता हैदराबादी। हैदराबादी आलू का भुर्ता। हाँ। वैसे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ दाल चावल बने हुए हैं जो कि इस बार बहुत पसंद है, और उसके साथ बना रही है मम्मा आलू का भुर्ता। उसके लिए हमने लिए हैं आधा किलो आलू लिए हैं। उसके लिए मम्मा ने आधा किलो आलू लिया, उसको बॉइल कर दिया अच्छे से। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है क्या खैरियत से होंगे। अच्छा, उसके लिए हमने दिया है इधर हरा धनिया, बहुत हरी मिर्ची है और हरा धनिया है और टमाटर, और इसमें थोड़ा सा हमारे गरम मसाला दिया है। गरम मसाला है। ये भुर्ता बनता है बड़ा मजेदार हैदराबादी भुर्ता। वैसे भी भुर्ता बनता है, ये हम बना रहे हैं हैदराबादी। और यहाँ पे कुछ चीजें मम्मा ने कीवी निकाल कर, जो कि फाइनली चॉप्ड अनियंस, और ये पटना मिर्च है, और सफेद जीरा। अच्छा, अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चमची हल्दी पाउडर। अपनी टेस्ट के मुताबिक ले लें, थोड़ा ज्यादा कर लें, कोई इसमें मसला नहीं है। दो चमची देंगे कुटी मिर्च। इसमें हम लेंगे ये नमक लेंगे, हसबे जरूरत, जितना टेस्ट के मुताबिक आप लोग लें डाल दीजिएगा। अच्छा, अब इसमें हम डालेंगे साबुत धनिया और सफेद जीरा कूट के। ये हमें अभी कूट, इसम की जरी भी सब लगेगा भगार इसमें। अच्छा, ये हमने दिया है साबुत धनिया और सफेद जीरा, इसको हमने कूट लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सब चीजों को मिक्स कर देंगे। तो इसके अंदर मम्मा ने ऐड किया 2 टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस। तो अब मम्मा भगार लगाएंगे इसके अंदर। पहले हम इसमें डालेंगे साबुत मिर्चे और लहसुन के जवे, सफेद जीरा, डर भी लगता है चिपके को खा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये थोड़ा सा, ये थोड़े से छोटे करेंगे, फिर उसके बाद हम प्याज को डाल के फुला देंगे। बिस्मिल्लाह। इसका जो भगार बनाया है इसमें हम डालेंगे भुर्ता, जो कि मम्मा ने रेडी किया था। लेकिन प्याज को हम बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे, ब्राउन नहीं होगी, ये कच्ची, इसकी प्याज कच्ची रहती है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यह हमारा भुर्ता तैयार हो गया है, हैदराबादी भुर्ता। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी होती है।